हम आपको बता दें कि पिछले दिनों 14 दिसंबर को थाना नेहरू नगर कॉलोनी के अंतर्गत निरंकारी भवन में दो व्यक्तियों के शव पड़े मिले थे। इस घटना से इलाके के लोगों में भय का माहौल बना हुआ था और पुलिस के लिए भी यह एक गुत्थी बनी हुई थी, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल के बाद अब इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। दोनों मृतकों की पहचान भी कर ली गई है, जिनमें से 24 वर्षीय सोनू देहरादून से और 46 वर्षीय कमल राम रुद्रप्रयाग के रूप में शिनाख्त हुई है। देवेंद्र कुमार सैनी को इस मामले में दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र कुमार जो कि एक ट्रक चालक है, जांच में पता चला है कि इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु देवेंद्र कुमार के डंपर के चपेट में आने से हुई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा चालक देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर डंपर को भी जब्त कर लिया गया है।